बीमारियों से बचना है, शाकाहारी रहना है, बाबा जी का यह उद्देश्य, कष्ट मुक्त हो देश विदेश। अगुण सगुण का वेद मिटाओ, अगम पंथ सब सुगम बनाओ। जैसे सूरज एक जगह है, किरणें देखो फैली हुई चारों तरफ, ऐसे ही उसके दया की ये किरणें, ये जिंदा रहने वाली किरणें जीवों से जुड़ी हुई हैं बहुत पतले तार के द्वारा। जो महापुरुष आते हैं, जिस स्थान से आते हैं, उस स्थान से वो जोड़ देते हैं नाम को, और उस नाम से जब उनको पुकारते हैं तो वो आवाज वहां पहुंच जाती है। वो खुद नहीं आते हैं, भेजे जाते हैं, तो बूढ़ी के पास पहुंच जाती है, वो मदद कर देते हैं। देखो अयोध्या में एक से पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन राम का साथ नहीं दिया, छोटे लोगों के द्वारा उन्होंने काम लिया। अब आप इतने आदमी बैठे हो, अभी कोई आ जाए अरबपति खरबपति या बहुत बड़ा अधिकारी आवे, आपको देखे तो यही कहेगा बाबा के यहाँ तो बस गरीब लोग आते हैं, छोटे छोटे लोग आते हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले, छोटे छोटे काश्तकार, छोटी दुकान करने वाले, वो कपड़ा उपड़ा ऐसे पहनने वाले लोग आते हैं, जमीन में बैठ जाते हैं, हाथ में लेकर खा लेते हैं, ऐसे लोग आते हैं, बड़े आदमी नहीं आते हैं, बड़े आदमी नहीं आते, बड़ों से काम नहीं होता है। अयोध्या में एक से पढ़े लिखे जोशी विद्वान थे, किसी ने साथ दिया उनका, कृष्ण भगवान का साथ दिया। क्या पढ़े लिखे लोग उस समय भी थे, विद्वान थे, धनी मानी थे, लेकिन उन्होंने काम किससे लिया? गोपी और ग्वालों से, गांव के सीधे साधे लोगों से, अहीरों से। अहीर किसको कहते हैं? निर्मल मन अहीर निज दासा, जिसका मन निर्मल हुआ करता था। अब तो ये छल कपट झूठ फरेब भर करके जात बात कौम बात एरिया बात भाषा बात लोगों ने पैदा कर दिया, पहले ये चीज नहीं थी, तो उन्होंने साथ दिया था। आपको समझने की जरूरत है कि अयोध्या में भी पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन नहीं साथ दिया लोगों ने राम का। राम को काम करना था, काम करने के लिए जो आते हैं रास्ता निकाल लेते हैं। आपको याद दिलाऊं, जब गुरु महाराज का आश्रम छोड़ करके मुझे भागना पड़ा था, तो मेरे पास कुछ था? कुछ नहीं था। और अब देखो कोई कमी नहीं है, क्यों? गुरु महाराज ने आप लोगों के अंदर प्रेरणा पैदा किया, और आप असलियत का पता लगाए, और आप साथ दे दिए, तो सब कुछ हो गया। अब इतने लोग बैठे हो, अभी अगर ये संकल्प बना लो कि हम अपने जिले को, पूरे जिले के लोगों को शाकाहारी बना करके ही दम लेंगे, तो हो जाएंगे लोग? नहीं हो जाएंगे। समझाते समझाते बताते बताते लोग हो जाते हैं। आप समझो अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन से हो, शीतल होता है चंदन, ठंडा होता है, लेकिन रगड़ते रहो रगड़ते रहो तो उसमें भी आग निकल आती है, कहते कहते हो जाता है। जैसे बुरे को लोगों ने कहते कहते समझाते समझाते बुरा बना दिया, ऐसे आप अच्छा बना सकते हो। तो बंदर और भालू निराश होने लगे, कब? तब राम ने कहा बनाओ पुल, चलो उस पार। बोले महाराज पुल बनेगा कैसे, यहाँ तो कुछ पुल बनाने का सामान ही नहीं है, यहाँ तो पत्थर है और पानी है। तो बोले यही पत्थर डाल। बोले महाराज कितना पत्थर डालेंगे? डाला भी पत्थर, कहा देखो डूब गया। तब बोले अब राम राम लिख लो पत्थर के ऊपर। राम राम लिखा और पत्थर डाला, तैरने लग गया। ओ हिम्मत बढ़ गई, ओ पुल बना दिया डाल करके, थोड़े ही पत्थरों से पूरा पुल बन गया, हिम्मत बन गई,
कि जिसके आवाज में इतनी शक्ति है, नाम में इतनी शक्ति है, वो हमारे साथ है तो हमारा कोई क्या कर सकता है। फिर तो हमको फतेह अभी मिलेगी ही। जैसे जय गुरुदेव नाम आपके साथ है, गुरु महाराज के दया प्रेमियों आपके साथ है, तो फतेह अभी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अरे जीत होगी कि नहीं होगी। ऐसे ही विश्वास के लिए और काम के लिए उन्होंने नाम को जगाया था। कृष्ण भगवान आए, कृष्ण नाम को जगाया उन्होंने। द्रौपदी को, बाराग्रह को, तमाम ऐसे उदाहरण मिल रहे हैं, कहाँ तक बताऊं। जब कबीर साहब आए, सर साहब नाम जगाया, वाहे गुरु नाम जगाया कृष्ण ने, आपके यानी नानक जी ने जगाया, शुद्रा जी महाराज ने, राधा स्वामी नाम जगाया, हमारे गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम जगाया। तो जब नाम कोई नया आता है तो जल्दी विश्वास लोग नहीं करते हैं, लेकिन जैसे कोई कपड़ा धोने वाला पाउडर नया आता है और कहता है वो एक पुड़िया दे करके जाओ धो के देख लेना, और पाउडरों से ज्यादा अच्छा है ये, थोड़ा डालोगे कपड़ा ज्यादा गंदा भी धुल के साफ हो जाएगा, और धो के जब देखते हो तब बढ़िया मसाला का एक पुड़िया दे दिया, ये मसाला डालना आप सब्जी में, अरे जब अच्छा लगा मुंह लगा तो वही खरीदते हो कि नहीं खरीदते हो। ऐसे ही गुरु महाराज ने कहा, अरे लो परीक्षा लेकर देखो, ऐसे समय पर परीक्षा लेना जब हर तरफ से निराश हो जाना, और लोगों ने जय गुरुदेव बोल करके परीक्षा लिया तो जय गुरुदेव ही बोलने लगे, बाकी सब भूल गए, पूरा गांव का गांव जय गुरुदेवमय हो गया। कितने लोगों की तकलीफों को यानी हर लिया जय गुरुदेव नाम ने। जय गुरुदेव नाम के ध्वनि को जब मैंने हटाया लोगों को तो बोलना शुरू करो, बोलने लग गए, बोले घर से तकलीफें धीरे धीरे अब जा रहे हैं, रोज कुछ कुछ हो जाता था, झगड़ा झंझट नहीं हो रहा है, रुपया पैसा में भी फर्क दिखाई पड़ रही। तो इन चीजों के मरीज तो आप कई लोग हो, अब कोई पढ़े लिखे बैठे हो को नहीं है तो मैं बता भी सकता हूँ, 100-200 को बता सकता हूँ, बता दूंगा कि इनके घर में कोई ना कोई बीमार रहता ही रहता है। यह भी बता दूंगा रोज कुछ कुछ रोज झगड़ा होता, तनिक तनिक बात में झगड़ा कर लेते हैं, बड़े प्रेम से बैठे साथ खाते रहते हैं, बस कोई बात आई बस उसी पर बिगड़ गए, खाना छोड़ के चल दिए, घर छोड़ के चल, होता रहता है आजकल, रुपया पैसा बहुत कमाते हैं, पता ही नहीं कहाँ चला जा रहा है। तो यह समस्याएं बहुत, अब आप लोग सुन लो इस बात को, तकलीफ किसी के यहाँ किसी भी तरह की हो तो आप जय गुरुदेव नाम के ध्वनि बोलो और बोलवाना शुरू कर दो परिवार वालों को, देखो तकलीफों में कमी आती है कि नहीं आती है। तो बोलना कैसे है यह भी बता दूंगा इन लोगों को आपको, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, बोलो अरे बोल करके सीख लो, यहाँ मुँह नहीं खुलेगा तो कोई गारंटी नहीं है कि घर पर भी बोलोगे, हमको मालूम है ये, जब यहाँ नहीं बोल पा रहे हो तो वहाँ कैसे बोलोगे। फिर तो उसी तरह से जैसे कथा भागवत सुन करके चले आए, अब पूछो क्या बताया, कह रहे बहुत बढ़िया गला चल रहा था, खूब बढ़िया गाना गा रहे थे, बढ़िया हारमोनियम बज रहा था, यही बस यही याद रहेगा इतना। बोलो अभी हम बोलते हैं तो दोहराओ सबके सब लोग, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, देखो जब तकलीफ होती है तब मुंह बंद नहीं रह पाता है, रोते हैं चिल्लाते हैं गुहार लगाते हैं। तो अभी अगर मुंह खुला रहेगा तो उस समय नहीं खोलना पड़ेगा, उस समय बर्दाश्त भी हो जाएगा। कुछ रोग ऐसे होते हैं कि जो पड़े रहते हैं पेट में असर नहीं करते हैं, भूला रहता है आदमी, और कुछ ऐसा होता है तकलीफ ऐसी होती है कि एक कांटा भी चुभ जाए तो इतना दर्द करता है कि आदमी चिल्लाता है, ऐसे समझ लो।
तो अभी अगर मुंह खोले रहोगे, बोलते रहोगे, शर्म नहीं खाओगे, तो तकलीफ भी आएगी, तो बर्दाश्त कर ले जाओगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। यह है वर्णात्मक नाम, इसको बोलोगे तो आपकी बाहर की तकलीफें दूर होंगी। अब इसके लिए ना आपको अभी घर छुड़वाया, ना आपका सिर मुड़वाया, ना दाढ़ी बाल बढ़वाया, ना कपड़ा बदलवाया, ना आपको कोई कंठी बांधा जाएगा, ना छाप लगाया जाएगा, पूछ है। और इसको करने के लिए जो बताऊंगा उसके लिए भी ना तो आपको घर छोड़ना है, ना जमीन जायदाद छोड़ना है, ना बाल बच्चों को छोड़ना, गृहस्थ आश्रम में ही रहो, जिस जाति बिरादरी में रहते हो उसी में रहो। हम तो इस पर विश्वास नहीं करते और लोगों को बताते भी कि इस चक्कर में मत पड़ो, भाई भतीजा बांट के चक्कर में, जाति बांट के चक्कर में, एरिया बांट के, जिला बांट के, भाषा बांट के, आतंक बांट के, मऊ बांट के, नक्सल बांट के, ये सारे बाद को भूल करके आप मानववाद अपना लो, मानववादी बन जाओ। ये जो नुकसान करने वाले हैं, ये जो जहरीली है चीज, इससे आप दूर रहो, इसमें मत फंसो, ये जरूर कहता हूँ। हड्डी सबकी एक जैसी, खून सबका एक जैसा, मांस सबका एक जैसा, प्रभु ने बनाया आँख कान मुंह टट्टी पेशाब का रास्ता सबके एक जैसा, तो उस पर क्यों ना विश्वास करो कि उसने कोई टिफरकेबाजी नहीं पैदा किया। ये जाति पाती गुरु की बातों को पकड़ो, जाओ उठो बैठो सब कुछ काम करो, शादी ब्याह अपनी जाति में जहाँ पर रहते हो वहां पर करो, लेकिन जहाँ सच्ची बात आवे, जहाँ सच्ची बात बोलना हो, वहां बोलने में संकोच मत करो। तो देखो शादी ब्याह जहाँ करते हो वहीं करो, जहाँ जिस जाति में भोजन खाते हो शाकाहारी भोजन वहीं पर खाओ। ये जरूर कहता हूँ कि लड़का लड़की जब बड़े हो जाएं तो देख करके ठीक से शादी ब्याह कर, जब देख करके करोगे तो तलाक की नौबत नहीं आएगी, तब फिर दहेज के मुकदमे में, दहेज के केस में जेल नहीं जाना पड़ेगा। क्योंकि ये लड़के लड़कियाँ जब देखते हैं कि हमारा समय हो गया, घर वाले ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उस समय पर ये खुद निर्णय ले लेते हैं कि अब हम ही को करना पड़ेगा। इनकी उम्र पूरी परिपक्व होती नहीं है, मतलब अनुभव होता नहीं है ज्यादा, तो रूप रंग में ये पड़ जाते हैं, देखने में सुंदर, उसमें पैसे वाले हैं या समझो पढ़ाई लिखाई ज्यादा है, तो वो ज्यादा दिन तक रिश्ता नहीं निभता है। लेकिन जब आप देख करके लाओगे कि लड़की हमारे घर में सेट हो जाएगी, हमारे लड़के के मालने में समझ जाएगी, परिवार वाले इसको प्यार दे सकेंगे, सेवा कर सकेगी, तो वो सेट हो जाए। जब लड़की की शादी आप करो, देख लो लड़का शाकाहारी हो, कमाने वाला हो, खिला ले जाएगा, रख पाएगा, जिस उद्देश्य के लिए ब्याह कर रहे हैं पूरा कर पाएगा, तो आप प्यार देख करके कर लो। नौजवानों बेकार मत बैठो, और आप लोग अपने लड़कों को बेकार मत बैठाओ, पढ़ लिख लें तो नौकरी काम में कहीं ना कहीं लगा दो, जो जिस लायक है, जैसी जानकारी पढ़ाई उनकी है उसी काम में लगा दो, वो करने लग जाए, पढ़ाई करते जाएंगे, अगर नौकरी अच्छी मिल जाए तो उसमें चले जाएंगे। लेकिन समय बर्बाद मत करो, कोई भी काम करो सीख के करो, कोई भी दुकान करना है सीख लो, कोई कारखाना लगाना है सीख करके तब करो। पार्टनरशिप जिसको कहते हैं, साझे का धंधा मत करो, घर बनाना है बना लो, घर खरीदना है नया खरीदो, जरूर कहता हूँ। आप जमीन जायदाद लो, आप प्लाट लो घर बनाने के लिए, झगड़े झंझट का सरकारी का न लो, कागज देख लो, पता लगा लो, फिर आप ले लो। कोई भी ये जो जरूरी काम है इसको हमसे पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तो भारी संख्या हो गई अब, इक्का दुक्का तो लोग रहे नहीं, तो कितने लोगों को बताया जा सकता है कम समय में
सब जगह मांग है, हिंदुस्तान के कोने कोने में तो है ही, विदेशों में भी बड़ी मांग उठ रही है सत्संग की, तो कहाँ कहाँ जाकर किसको किसको बताया जा सकता है। इसलिए अब इन बातों को मन से बता दे रहा हूँ, और आप जो कार्यकर्ता हो, पुरानी सत्संगी हो, आप और लोगों को भी बता दो, इसके लिए आपको पूछने जरूरत नहीं है, अपने समझ के आप कर। तो आप कहोगे भाई सारी मर्यादा का पालन तो आप कर रहे हो, लेकिन दक्षिणा वाली कोई बात ही नहीं कर रहे हो, जबकि कहते हैं ये कि पूछ पकड़े हो गोदान किए हो तो सांगिता नहीं दोगे, तो गाय ये तुमको बैतरणी पार नहीं कर पाएगी, डुबो डालेगी, तो आप तो दक्षिणा सांगिता फांगिता कोई बातें नहीं कर रहे हो। तो है तो मौका आज आपको देने का, दक्षिणा दे दो। देना क्या है, आप अपनी बुराइयों को यहीं छोड़ जाओ, बुरे कर्म मत करना। कुछ लोग कहते हैं पैसा देकर लाते हैं मांस खाते हैं, अरे आपके खाने की वजह से ही तो हत्या होती है। अभी सब लोग मांस खाना बंद कर दें तो कोई भी जानवर को काटेगा, दूसरा काम करेगा, देने वाला वो मालिक है उसको भी देगा, ज्यादा मिलता है, अच्छा काम करने से ज्यादा मिलता है, मेहनत ईमानदारी की कमाई में ज्यादा बरकत होती है। मेरे कहने से मांसाहारी होटल बंद कर दिया लोगों ने, शाकाहारी खोले, बोले बहुत अच्छा चल रहा है, अंडे की दुकान बंद कर दी, बोले दूसरा धंधा शुरू किया, बहुत अच्छा चल रहा है, बड़ी शांति है घर में भी, मन को भी शांति है। तो भाई आप समझो कि मत खाओ मांस, छोड़ दो, मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, शराब मत पीना, दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म मत करना, पक्षी और दूसरे पुरुष के साथ बुरा मत करना, बाकी आप आजाद हो, हजम कर सको 100 गिलास दूध पी लो, 2 किलो घी रोज खा लो, 4 रोटी की जगह 40 रोटी खा लो, थाली भर भात की जगह पर 18 भर भात खा लो, छूट है हमारी तरफ, कोई रोक टोक नहीं। तो देखो प्रेमियों, प्रेमियों की राय बन गई है, लोगों की ये इच्छा हो गई कि गुरु महाराज का चिन्ह, गुरु महाराज का मंदिर अब बन जाए, तो समय तो आ गया। ऐसे तो छोटे छोटे मंदिर लोगों ने बना रखे हैं अपने अपने घरों में, लकड़ी का, लोहे का, जो जैसे है फोटो लगाए हुए हैं, लेकिन ऐसा लोग चाहने लगे कि एक ऐसा मंदिर बने कि जो बहुत दिनों तक रहे और लोग वहां जाएं, देखें गुरु महाराज के चित्र को और यह समझें कि एक ऐसे विलक्षण महापुरुष थे कि जिन्होंने इतनी मेहनत किया हमारे लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए। तो मंदिर बनेगा, घोषणा हो गई, कहाँ बनेगा, ये दिल्ली जयपुर रोड पर हाईवे पर ही बावल जगह है, रेवाड़ी जिला हरियाणा में पड़ता है, वहां पर अपना आश्रम है, वहीं पर बनेगा, तैयारी चल रही है, शुरुआत कब होगी ये आपको खबर लग जाएगी, मौका मिलेगा आ जाइएगा वहां पर। तो एक संदेश ही आपको दे दिया। दूसरा यह है कि हमारा आश्रम मुख्य आश्रम यानी उज्जैन में है, वैसे तो जगह जगह छोटे बड़े बहुत से बन गए, तो इन आश्रमों पर, बड़े बड़े आश्रमों पर कार्यक्रम होते रहे, जब मौका मिले जिसको जहां पर वहां पर आ जाइएगा, दर्शन दे दीजिएगा। और देखो प्रेमियों, किसी की निंदा बुराई मत करो, किसी धर्म की नहीं, किसी जाति की नहीं, नियम के हिसाब से काम करो, नियम के खिलाफ काम मत करो, अधिकारी कर्मचारियों का सम्मान करो, हो सके तो आप इनका सहयोग ही कर लो, कोई भूखा है ऐसा है पानी खिला दो, रोटी खिला दो, हो सके मदद कर दो, बुरा मत चाहो किसी का, और शाकाहारी रहो, शाकाहारी बनाओ लोगों को, भजन ध्यान करते रहो। आपने हमको समय दिया, आपके व्यवस्थापक के, प्रचारकों के, जिन
अधिकारी कर्मचारी प्रबुद्ध नागरिकों ने इस कार्यक्रम को संपन्न बनाने में मदद किया, हम सबके आभारी। हमारे कहने में, आपके सुनने में अगर आपको कोई बुरा लगा हो तो उसके लिए माफी चाहूंगा। बोलो जय गुरुदेव। प्रार्थनाएं भी बहुत हैं। प्रार्थनाएं जैसे संतों की प्रार्थनाएं हैं, जो खुद उस समय की प्रार्थना है वो बोल करके गए, उसका अर्थ तो जल्दी समझ में आता है। और समझो जो उसमें तोड़ मरोड़ हो गया या उनके नाम से खुद अपने लोगों ने बना दिया, तो वो जल्दी समझ में नहीं आता है। भाषाएं अलग अलग हो गई। आप तो समझो हिंदी भाषा, मराठी भाषा, पंजाबी भाषा, गुजराती भाषा, बंगाली भाषा, उड़िया भाषा, बहुत सारी भाषाएं आपके हिंदुस्तान में ही हो गई। इसी तरह से अन्य देशों में भी भाषाएं बहुत हो गई। तो यहाँ पर तरह तरह की भाषाएं हैं और तरह तरह की भाषाओं में प्रार्थनाएं लिखी गई हैं, बोली गई हैं और लोग बोलते भी हैं। लेकिन प्रार्थना करना अगर सीख जाए तब तो प्रार्थना की आवाज उन तक पहुंचती है, प्रार्थना स्वीकार होता है, और नहीं तो बोलते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब आप ये समझो कि वो रीझेगा कैसे, किसी भी भाषा में प्रार्थना करो, किसी भी समय करो, कोई भी प्रार्थना करो, लेकिन भाव प्रार्थना के होने चाहिए। भाव से वो प्रसन्न होता है, भक्ति से वो खुश होता है, दिखावे से नहीं होता है। जब तड़प जगेगी उससे मिलने की, उसको जानने की, उसके उसको समझने की, उसके देश को देखने की, उसके देश को जाने की जब तड़प जगेगी, तब वो फौरन सुनवाई कर लेता है। तड़प अगर नहीं जगती है और प्रार्थना पानी समझो कि करता है तो सुनवाई नहीं होती है। दूसरी चीज ये है कि भी प्रार्थना तो बहुत से लोग करते हैं, देवस्थानों पर, मंदिरों में, मठों में, आश्रमों पर भी, जहां भी कोई तेल सिंदूर लगा करके भी पत्थर के ऊपर और रख दिया पेड़ के नीचे और मान्यता दे दिया कि ये हनुमान जी हैं, ये शिवलिंग रख करके कहा ये शिव जी हैं, ये विष्णु जी हैं, ये दुर्गा जी हैं, मिट्टी पत्थर की मूर्ति भी बना करके इस समय पर रख दिया कहीं भी, तो लोग श्रद्धा और भाव से वहां भी जाने लग जाते हैं, उनको पूजने लग जाते हैं। तो यानी उनसे जब पूजते हैं और उनको मानते हैं, उनका दर्शन करते हैं, तो क्या मांगते हैं? लड़का पास हो जाए, लड़की पास हो जाए, नौकरी मिल जाए, मुकदमा जीत जाए, धन की कमी ना रहे, यानी कोई चीज की कमी ना रहे, रोग ठीक हो जाए, यही दुनिया की चीजें मांगते हैं। जो दुखदाई हैं, तकलीफ दे हैं, जिससे कभी पेट नहीं भरने वाला, और जिसको पाने के लिए आदमी ईमान को भी बेच देता है, धर्म को भी भूल जाता है, भगवान को, मालिक को भी भूल जाता है, उस चीज को मांगते हैं। तो अनंत ख्वाहिशें हैं, अनंत इच्छाएं, कहा इच्छाएं अनंत हैं, एक दिल लाखों तमन्ना, अब उस पर फिर इतनी हविश, फिर ठिकाना है कहां उसको बिठाने के लिए। तो हविष जब इतनी अधिक हो जाएगी, जब इच्छाएं अनंत हो जाएंगी, तो कितनी इच्छाओं को पूरा करेगा? तो उन्हीं इच्छाओं में ही मन लग जाता है। और ये जीवन का समय निश्चित है, सांसों की पूंजी गिन करके खर्च करने के लिए मिली है, तो ये जैसे खर्च हो जाती है,
तैसे ही इच्छा रखते रखते चला जाता है। और अगर कर्म ज्यादा खराब नहीं हुए, मनुष्य शरीर भी मिल गया, तो उन इच्छाओं की पूर्ति में भी ही फिर लग जाता है। अब आप समझो जिन आशा तीन बार सा पाया और लौट लौट 84 आया कहा गया, लेकिन जिन आशा तीन बार सा पाया, अगर सतलोक की आशा, अपने देश की आशा, अपने घर की आशा, अपने मालिक की आशा अगर बना ली जाए, ना मिल पावे लगे ही रहो, ध्यान भजन करते ही रहो, प्रार्थना करते ही रहो, तो भी सुनवाई हो जाएगी। तो दुनिया की चीजों को प्रार्थना में नहीं मांगना चाहिए। तो प्रार्थना जब बोलो तो दुनिया की इच्छा रख करके मत बोलो, दुनिया के तरफ से मन को हटा करके, लगाव को हटा करके थोड़े समय के लिए, और उनको पाने की इच्छा, उनको खुश करने की इच्छा रख करके प्रार्थना बोलो। और प्रार्थना अगर हृदय से बोलोगे, आवाज अगर हृदय से जाएगी, भाव से अगर जाएगी, तो किसी भी भाषा में बोलोगे, कहीं भी रह करके बोलोगे, किसी भी स्थिति में बोलोगे, तो वो आपका स्वीकार करेंगे। जब प्रार्थना स्वीकार हो जाएगी, तो आप ये समझो कि आप फिर उनको देखने का, उनकी बातों को सुनने का, यानी प्रार्थना के जरिए ही दया मांगोगे, तो उसके लिए सुमिरन, उसके लिए ध्यान, उसके लिए भजन जो बताया जाता है नामदान के समय में, उसको फिर समझ करके करने लगोगे। इसीलिए कहा गया कि प्रार्थनाएं याद होनी चाहिए हर सत्संगी को, कम से कम दो दो तीन तीन प्रार्थना याद होनी चाहिए, विरह की प्रार्थना होनी चाहिए, तड़क की प्रार्थना होनी चाहिए, और वो बोलना चाहिए, जोर से बोलना चाहिए कि जिससे लोग सुने और समझें और उनके अंदर भी तड़प विरह पैदा हो, ऐसी प्रार्थनाएं बोलते रहना चाहिए। तो जब मन न लगे ध्यान में, सुमिरन में, भजन में, प्रार्थना बोलना चाहिए, प्रार्थना में ही थोड़ी देर के लिए मन को लगाना चाहिए। प्रार्थना की जो लाइनें हैं संत मत के प्रार्थनाओं की, आप समझो कि उन प्रार्थनाओं का भी असर पड़ता है। जब आदमी का ध्यान जाता है उन लाइनों पर, उनको जब सुनता है तो फिर समझ में बात आने लगती है। बहुत कुछ तो लोग प्रार्थनाओं के माध्यम से ही लोगों को समझा देते हैं। आप देखो, आप प्रचारक लोग जो हो वो देखो, आप जब जाते हो गांव में प्रचार के लिए तो प्रार्थना बोलते हो और प्रार्थना सुन के लोग आ जाते हैं और फिर आपकी बातों को सुन लेते हैं। ऐसे बोलने लग जाओ तो नहीं, प्रार्थनाएं दो तीन अगर बोल दोगे तो प्रार्थना को सुन करके ही समझ जाएंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं, और ये अन्य प्रार्थनाओं से, यानी ये अलग प्रार्थना है तो ये हैं कौन लोग, उनकी बातों को चला जाए, सुना जाए। आप देखो सत्संग से पहले, ध्यान भजन से पहले भी प्रार्थनाएं बोली जाती हैं कि कम से कम आदमी का भाव तो बने, आदमी दुनिया को तो भूले, इधर उसका ध्यान तो आवे, तब तो ध्यान में, भजन में, सुमिरन में मन लगाएगा, सत्संग सुनने में मन लगाएगा। तो आप समझो प्रार्थना तड़प की हो, विरह की हो, प्रार्थना प्रभावी हो, भाव से हो, भक्ति जगने वाली, जगाने वाली हो, ये आप लोग याद करो और प्रार्थना बराबर बोलते रहो। प्रार्थना बोलते बोलते आप ये समझो 400 किलोमीटर आदमी पैदल चला जाता है, पता नहीं चलता है, काम करता रहता, प्रार्थना बोलता रहता है, और मुंह चलता रहता है, हाथ भी खेत काटते हैं, जुताई करते हैं, कुछ भी करते हैं, प्रार्थना बोलते रहते हैं। इतना आसान हो जाता है काम दुनिया का भी कि आदमी सोच भी नहीं पाता। तो प्रार्थना जो है
ये काम की चीज है, जरूरी है लोगों के लिए। आप देखो जैसे गुरु की चर्चा अभी आपके सामने हुई, गुरु के पावर को, गुरु की शक्ति को आपने तो बहुत से लोगों ने अनुभव किया होगा, गुरु की दया का अनुभव किया होगा, तभी आप घर छोड़ करके यहाँ पर सुनने के लिए आए हो। लेकिन एक तरह का अनुभव गुरु की दया का सबको नहीं मिला, अलग अलग अनुभव आप सब लोगों का है, जो जिस भाव से गुरु को देखते हैं, गुरु आप समझो कि उसी भाव से उनकी मदद करते हैं, उनको मिलते हैं। लेकिन परमार्थ के कारण संतन धरा शरीर, वो शरीर ही लिए धारण करते हैं, दूसरों के लिए, दूसरों के मदद के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए। इसीलिए गुरु की जरूरत सब जगह होती है, और जितने भी महापुरुष आए इनको भगवान आज कहा जाता है, उन लोगों ने भी गुरु किया था, संतों ने भी गुरु किया, बगैर गुरु के तो कोई रहा ही नहीं। अब कुछ लोगों के गुरु का नाम लोग जानते हैं, कुछ का नहीं जानते हैं, उन्हीं को सब कुछ मानते हैं, लेकिन गुरु सर्वस्व होते हैं, तो दरबार के सत्पुरुष के दरबार के दरबारी होते हैं। तो आप देखो इसीलिए कि शुरू में भी नामदार लेते समय जय गुरुदेव नाम आपको बताया गया, गुरु महाराज बताए, और अब भी बताया जा रहा है, और आखिर में भी आपको जय गुरुदेव नाम बताया जाता है, बुलवाया जाता है, और स्मरण करते समय भी जय गुरुदेव नाम के बारे में आपको बताया जाता है। शुरू में गुरु और आखिर में गुरु, गुरु की एक पावर शक्ति होती है, और उसको जब वक्त के महापुरुष जगा लेते हैं, जिस नाम से जगा देते हैं उसी में वो पावर आ जाती है, गुरु की पावर आ जाती है, जिस चीज की वो मान्यता दे दें वक्त के संत, समझो कि उसी में ताकत आ जाती है। तो गुरु महाराज ने मान्यता दिया, आप समझो कब बताया कि गुरु का नाम है, परमेश्वर का नाम है, तो आगे और पीछे आप समझो इसीलिए बताया जाता है कि भाई आप किसी भी तरह से फेल न हो। जैसे आप देखो बहुत दूर की जो ट्रेनें होती हैं, या पहाड़ के सुरंगों में से निकलने वाली ट्रेनें होती हैं, रेलगाड़ियां होती हैं, पहाड़ों पर चढ़ने वाली रेलगाड़ियां होती हैं, उनमें डबल इंजन लगाया जाता है, एक आगे लगाते हैं, पीछे लगाते हैं, कहीं कहीं कम पावर का इंजन जहाँ होता है, ज़्यादा ताकतवर नहीं होता है, वहाँ पर दोनों इंजन अनढकेलते हैं उसको, पहाड़ों पर जहाँ रेलगाड़ियों को ले जाना होता है, तो आगे और पीछे दो इंजन लगाते हैं कि मान लो एक फेल हो जाए तो दूसरा, एक ध्यान करने में, एक माला करने में, अगर आप आने समझ लो कि आपका ध्यान नहीं लगा, उनको याद नहीं कर पाए, उनको नहीं खुश कर पाए, तो आखिर वाले में खुश कर लो, आखिर वाले में उनको याद कर लो, वो सुनवाई कर लें, तो कम से कम ध्यान लगाओगे तो उसमें तो मदद करेंगे। ध्यान में भी देखो बताया गया गुरु का ध्यान कर लो, पांचों नामों का ध्यान कर लो, और उसके बाद में तब ध्यान लगाओ, उसके बाद में फिर इनको प्रणाम कर लो ध्यान लगा करके, तो ये कोई बाधा नहीं डालते और मददगार हो जाते हैं। जीव के लिए यह जरूरी होता है गुरु का अन्य सहारा ले, तो आप प्रेमियों सुमेर में कामयाबी मिले, ध्यान में कामयाबी मिले, भजन में कामयाबी मिले, उसके लिए गुरु वचनों को याद रखो। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए
सभी तरह की तकलीफों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से जरूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।